पबजी मोबाइल वापस आने वाला है। पबजी मोबाइल वापस आ रहा है, सुन के पबजी मोबाइल लवर्स का भी यही हाल है। बट इट इज बेटर टू से पबजी मोबाइल नहीं, पबजी मोबाइल इंडिया आ रहा है। यस गाइस, पबजी मोबाइल अनबैन हो चुका है एंड पबजी मोबाइल इंडिया बहुत जल्द आपके मोबाइल डिवाइसेस में अवेलेबल होने वाली है। बट न्यूज स्टार्ट करने से पहले हैप्पी दिवाली सबको, मे यू ऑल हैव अ वेरी हैप्पी एंड सेफ दिवाली। गेमिंग दिस वीक इज टोटली डेडिकेटेड टू पबजी मोबाइल, तो देर किस चीज की, लेट्स स्टार्ट। तो आज के गेमिंग दिस वीक एपिसोड में हम कवर करने वाले पबजी मोबाइल रिलेटेड हर एक न्यूज। पबजी मोबाइल लाइट आने वाला है या नहीं, पबजी मोबाइल इंडिया में कब आने वाला है, आप लोग के क्वेरीज एंड ऑल, मैंने सब कुछ पे थोड़ा बहुत रिसर्च वर्क किया एंड फाइनली लेट्स बिगिन विद द वीडियो। पबजी मोबाइल ने अनाउंस किया है एक न्यू गेम पबजी मोबाइल इंडिया फॉर ऑल द प्लेयर्स इन द इंडियन मार्केट। तो ये स्पेसिफिकली इंडियंस के लिए होने वाला है एंड पबजी मोबाइल इंडिया बहुत जल्द आने वाला है। पबजी मोबाइल इंडिया बीन अ न्यू गेम इज ऑल्सो गोइंग टू मैक्सिमाइज सिक्योरिटी एंड डेटा प्रोटेक्शन फॉर ऑल द प्लेयर्स प्लेइंग द गेम। पबजी मोबाइल के डेवलपर्स ने यह भी बोला है कि दे आर गोइंग टू कस्टमाइज द गेम अकॉर्डिंग टू लोकल नीड्स। हमें देखने को मिलेगा एक वर्चुअल सिमुलेशन ट्रेनिंग ग्राउंड and जो न्यू प्लेयर्स आएंगे दे विल ऑलरेडी हैव क्लोथिंग ऑन देम एंड ऑल्सो ग्रीन हिट इफेक्ट्स इंस्टेड ऑफ रेड, ताकि उन लोग किड्स के लिए भी थोड़ा अच्छा रहे एंड वो लोग यंगर प्लेयर्स के लिए भी गेम टाइम रेस्ट्रिक्ट करने वाले हैं। सिर्फ यही नहीं, पबजी कॉर्पोरेशन एक लोकल ऑफिस भी एस्टेब्लिश करने की सोच रहे हैं, जहाँ पे वो 100 एम्प्लॉइज को भी हायर करने वाले हैं टू प्रोवाइड बेटर सर्विसेज। दिस इज डन टू एनहांस कम्युनिकेशंस एंड सर्विसेज विद इट्स प्लेयर्स। PUBG Corporation and parent company Krafton are planning to make $100 million, which is approximately above ₹700 crores investment in India. इससे क्या होगा, इट विल कल्टीवेट द लोकल वीडियो गेम ई स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट एंड आईटी इंडस्ट्रीज। अभी तक कोई रिलीज डेट तो आया नहीं है पबजी मोबाइल इंडिया का, बट आई जस्ट होप कि बहुत जल्द आ जाए। लोकल साउंड इफेक्ट्स भी वो लोग डालेंगे शायद से एंड ये वर्चुअल सिमुलेशन ट्रेनिंग ग्राउंड एक्सेट्रा, बहुत ही फैंसी वर्ड्स एंड बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होने वाला है हम सब इंडियंस के लिए। ये जो $100 million है, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 746 crore, ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है बाय अ कोरियन कंपनी इन इंडिया एंड पार्ट्स ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट ये जाएगा ई-स्पोर्ट्स इवेंट्स एंड टाइम टू टाइम टूर्नामेंट्स कराने के लिए। तो ई-स्पोर्ट्स भी बहुत ज्यादा बूस्ट करने वाला है पबजी मोबाइल इंडिया के आने की वजह से। पबजी मोबाइल इंडिया जो अब लॉन्च होने वाली है, इस पे गवर्नमेंट की क्या से है? टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट से ये पता चला है कि गवर्नमेंट ने ये बोला, अनलेस दे एड्रेस द कंसर्न्स इट विल बी डिफिकल्ट टू ग्रांट एनी रिलैक्सेशन। पबजी मोबाइल इंडिया के लिए स्पेसिफिकली पबजी कॉर्पोरेशन बहुत ज्यादा प्राइवेसी पे ध्यान दे रही है। पबजी कॉर्पोरेशन ने भी ये भी बोला है कि लोकल ऑफिसेस तो होगा ही, बट एट द सेम टाइम कॉर्पोरेशन विल कोलैबोरेट विद डिफरेंट लोकल बिजनेसेस एज वेल टू स्ट्रेंथन इट्स गेमिंग सर्विसेज। सो गाइज, मैंने मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी पे तुम लोगों से पूछा था कि इफ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू पबजी मोबाइल इंडिया, इट्स रिलीज एक्सेट्रा, देन डू आस्क एंड आई विल एड्रेस इट इन टुडेज वीडियो। तो यस, लेट मी सी क्या क्वेश्चंस तुम लोगों ने पूछा है, देखते कितने क्वेश्चंस के आंसर है मेरे पास। सो मिस्टर ओम ने ये पूछा, डिड दे मेंशन एनी एग्जैक्ट डेट अबाउट रिलीज और अनबैन? नो, देर इज नो एग्जैक्ट डेट अबाउट द रिलीज और अनबैन। फिलहाल गवर्नमेंट की येस के लिए भी वेट किया जा रहा है, सो देर इज नो एग्जैक्ट डेट, बट ये पता चला थ्रू ऑल द हिंट्स गिवन बाय बिग पबजी प्लेयर्स एंड द वंस हु आर एसोसिएटेड विद पबजी मोबाइल, पबजी कॉर्पोरेशन, उनसे थोड़ा बहुत पता चला कि दिवाली के आसपास ही आने वाला है, तो होपिंग कि नेक्स्ट वन वीक के अंदर आ जाए। राकेश ने ये पूछा कि पबजी इंडिया में इंडिया वाला मैप होगा क्या, आई मीन मुंबई, कश्मीर, गुजरात, बंगाल? आई डोंट थिंक सो, वो लोग बैटल ग्राउंड क्रिएट करेंगे अपने हिट स्टेट्स के बीच में, सो आई डोंट थिंक दैट इज हैपनिंग। इट्स फैंटीज मीम्स ने पूछा है, इज दिस ट्रू कि गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया कि पबजी इंडिया में रिलीज हो? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है कि गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही है, गवर्नमेंट ने सिर्फ यही बोला है, गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ यही लाइन आया कि अनलेस दे एड्रेस द कंसर्न्स इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड देम रिलैक्सेशन। पबजी कॉर्पोरेशन का भी गवर्नमेंट को ये बताना पड़ेगा कि वो प्राइवेसी का अब से ध्यान रखेंगे एंड वो सब प्रूव करना पड़ेगा एंड ऑल ऑफ दैट, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गवर्नमेंट ने ना बोल दिया है सीधा सीधा, ऐसा नहीं है। प्रवीण मोंडोल ने पूछा है, व्हेन विल इट बी अवेलेबल इन गूगल प्ले स्टोर?
अभी तक तो कुछ पता नहीं चला, गवर्नमेंट के साथ ये थोड़ा बहुत लफड़ा टाइप हो चुका है, सो अभी तक तो एग्जैक्ट डेट नहीं पता, बट बहुत जल्द होपफुली बाय दिस वीक। बहुत लोगों के दिल में ये क्वेश्चंस है whether we will be getting our old accounts back, जैसे कि अभी इधर पूछा गया है like do we get our old account back, what about our global version account, all data like our gun skin, will we get our items in the inventory which we had in the global version? Okay. As per some big content creators like Kronten, जिन्होंने अपने live stream पे बोला है कि old account वापस मिल जाएगा उन लोगों को जो पहले से खेल रहे थे। Uninstall किया है, वो data transfer कैसे करेंगे? अरे uninstall करने से कुछ नहीं है, तुम्हें पूरा अलग वर्जन डाउनलोड करना पड़ेगा PUBG Mobile India का, वहां पे फिर आपको पूछेगा वो लॉगिन करने के लिए, तो लॉगिन आप उस अकाउंट से करना कि जो पहले तुमने Tencent के साथ जब PUBG खेलते थे ना, तो वो उस टाइम जो अकाउंट दिया था उससे लॉगिन करना गाइस आप। एंड ऑल्सो आर्टिकल्स में ये लिखा हुआ है कि जो न्यू प्लेयर्स आएंगे उनके पास ऑलरेडी ड्रेस होगा, मतलब पुराने प्लेयर्स को अपना अकाउंट वापस मिल जाना चाहिए। Our next question is by Mayur Malani and he is asking PUBG Mobile India is global or just India specific? PUBG Mobile India as the name suggests it is Indian based, ये पूरा ही Indian version होगा, इसके साथ global का कुछ भी लेना देना नहीं होने वाला है। So ये थे Instagram पे मेरे viewers ने कुछ basic questions पूछे, but और एक question जो बहुत सुनने को आ रहा है, PUBG Mobile Lite का क्या होने वाला है? बहुत सारे प्लेयर्स इस बात से भी अपसेट हो गए थे कि PUBG Mobile Lite के लिए तो कोई ऑफिशियल न्यूज़ आया ही नहीं, PUBG Mobile Lite का क्या होने वाला है, अभी तक कोई ऑफिशियली कुछ भी नहीं पता चला है कि PUBG Mobile Lite वापस आने वाला है या नहीं इंडिया में फॉर द PUBG Mobile Lite प्लेयर्स। यस, अभी तक तो उसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी एंड आई जस्ट चेक्ड माय फोन, PUBG Mobile India का टीजर भी आ चुका है। आई विल लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन फॉर यू गाइज टू चेक इट आउट। गाइस और एक चीज ये भी है कि टैप टैप में प्री रजिस्ट्रेशन भी चालू हो गया है PUBG Mobile India के लिए, बोथ फॉर एंड्रॉइड एंड फॉर iOS यूजर्स, एंड आई डोंट रियली नो ये कितना सेफ है। आई थिंक वी शुड ऑल वेट कि गूगल प्ले स्टोर एंड एप स्टोर में आ जाए। 1,00,000 के ऊपर प्री रजिस्ट्रेशन हो चुका है ऑन टैप टैप रिगार्डिंग द PUBG Mobile India लॉन्च, एंड मैंने देखा था कि 4G भी प्री रजिस्ट्रेशन के लिए आ चुका है टैप टैप में। आई डोंट रियली नो वॉट इज एग्जैक्टली हैपनिंग। मैं तो बोलूंगी कि ऑफिशियली ही वेट करना चाहिए प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर में PUBG Mobile India का आने का। सो गाइज, दिस इज ऑल द न्यूज दैट आई हैव रिगार्डिंग PUBG Mobile India टुडे, एंड आई एम सो एक्साइटेड, PUBG Mobile India वापस आने वाला है, बहुत सारे आइडियाज है दिमाग में, एंड स्ट्रीम तो वापस से PUBG Mobile का हम करेंगे। सुपर एक्साइटेड टू सी कि PUBG Mobile India एग्जैक्टली होने कैसे वाला है, एंड यस, लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस न्यू बिगनिंग, एंड आई होप PUBG Mobile India बहुत सक्सेसफुल हो, एंड ऑब्वियसली होगा, वी ऑल लव PUBG Mobile, डोंट वी? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टूडेज एपिसोड ऑफ गेमिंग दिस वीक। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, एंड इफ यू एंजॉय डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, डू हिट दैट लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। Thank you for watching. Happy gaming, everyone. And also congratulations to all the PUBG Mobile lovers, जिनके लिए PUBG Mobile India बहुत जल्द आने वाला है.